Hello children, today we will learn EVS. आपको बताऊंगी आज मैं द फूड वी ईट, हम जो फूड खाते हैं उसके क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, हमें किस तरह से फूड मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ेंगे. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड फॉर एवरी डे. वी नीड फूड टू लिव. इट हेल्प्स अस फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर अवर बॉडी. It gives us energy for warmth, work and play. It protects us from diseases. यानी कि all सब जितने भी living beings हैं, human beings हैं या आपके animals हैं, सबको food चाहिए daily. Food क्यों चाहिए? जीवित रहने के लिए, ठीक है, live. It helps us, क्या help करता है हमारी? Building and repair of our body. यानी कि हमारी जो बॉडी को बिल्ड करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए उस और हमारी वार्म गिव्स अस एनर्जी, हमें क्या करता है, एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए, ठीक है, और हमारी बीमारियों से भी ये रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है. इसके बाद हमारा आता है इसमें सोर्सेज ऑफ फूड. कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं फूड की? टू होती हैं मेन सोर्सेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants provide us food grains, pulses, vegetables, fruits, spices and beverages. इसके बाद animals में क्या देते हैं? Provide us milk, butter, घी, cheese, eggs and meat. ये हमें animals provide करते हैं, जैसे आपको picture में भी सब show किया हुआ है. इसके बाद हमारा next point आता है different kinds of food. यानी कि kinds कौन कौन से होते हैं food के. We eat different kinds of food. Different food stuffs contain different substances useful for our body. These substances are called nutrients. जो हमें food मिलता है, जो sources है food की, वो substances जो होते हैं जिनसे food मिलता है उसको हम nutrients बोलते हैं, ठीक है. Types of food कौन से होते हैं? Body building, energy giving और protective food. तो अब इसमें हमारे कौन कौन से फूड आते हैं आप देखेंगे. प्रोटीन्स के बारे में पहले हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे. इसमें प्रोटीन क्या चीज़ है? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं. जैसे दे हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो. ग्रो करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प अस टू रिपेयर द वर्न आउट सेल्स. रिपेयर करने के लिए होता है, जो वर्न आउट सेल्स होते हैं उनको. दे बिल्ड न्यू सेल्स. प्रोटीन्स आर फाउंड किस में पाया जाता है? मिल्क में, कर्ड में, चीज़ में, नट्स, पीस, बीन्स एंड दाल, इन सब चीज़ों में प्रोटीन हमें पाया जाता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ होती है? शुगर्स एंड स्टार्च आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर जो स्टार्च होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. स्वीट फ्रूट्स कंटेन शुगर्स, यानी जो मीठी चीज़ें होती हैं, मीठे फल होते हैं, जैसे आपका बनाना है, एप्पल है, इन सब में क्या होता है? शुगर होती है. राइस, कॉर्न, वीट, पोटैटो, ये सब स्टार्च होते हैं, ठीक है. दे बर्न अप स्लोली इनसाइड द बॉडी टू गिव एनर्जी, यानी धीरे से ये बॉडी के अंदर बर्न होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं. कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत पेशेंट एनर्जी मिल जाती है. कभी आपने देखा होगा जैसे वीकनेस लग रही है, अगर आप चॉकलेट अगर एक खा लें तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है. इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फैट्स. फूड्स लाइक बटर, घी, नट्स, ऑयल सीड्स और ऑयल, जो ये सब चिकनी चीज़ें जो होती हैं, बटर जैसे घी, इन सब में क्या होता है? फैट होता है. दे टू बर्न अप इनसाइड द बॉडी टू गिव अप एनर्जी, ये भी हमें अंदर जो बॉडी के अंदर बर्न अप होकर के एनर्जी देते हैं. दे गिव मोर एनर्जी देन द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह से ये भी हमें एनर्जी प्रदान करते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चिल्ड्रन एंड पीपल हु डू फिजिकल वर्क, जो कि बच्चे और जो लोग होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक वर्क करते हैं, नीड लार्जर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. उनको ज़्यादा फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है. एक्सेस स्टार्च एंड फैट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी अंडर द स्किन, ठीक है. एक्सेस फैट कैन बी हार्मफुल, यानी कि फैट और स्टार्च होते हैं ये हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो. इट मेक्स पीपल फैट नॉट फिट, यानी कि मोटा कर देते हैं ना कि फिट करते हैं. फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज बर्न्स अप स्टार्च एंड फैट टू मेक अस फिट. फिजिकल वर्क करते हैं हम या कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं,
तो हमको वो फिट रखता है, ठीक है। एक्सेस जो भी होता है स्टार्च या फैट उसको वो बर्न कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विटामिंस। विटामिंस आर द वाइटल केमिकल्स विच आर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट। हमारे को मतलब ये केमिकल होते हैं जिनकी हमारे को बॉडी को ज़रूरत होती है। दे आर नेसेसरी टू कीप अस हेल्दी, यानी कि हेल्दी रखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, डिजीजेज माने बीमारियों से हमारी को ये सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको सारे विटामिन सी आपको शो हो रहे हैं इसमें जितने भी हैं, ठीक है, जैसे बटर, ऑरेंज, पपाया, एप्पल, मिल्क, ब्रेड, फ्लोर, ये सब चीज़ों में विटामिन होता है। लेमन में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है ना। और आप जैसे ये देख सकते हैं आपका आंवला होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। बनाना है, टोमेटो, ऑरेंज, इन सब चीज़ों में सनलाइट, चीज़, मिल्क, इन सब में विटामिन होता है। इसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, कॉमन सॉल्ट हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड हेल्दी फूड। तो ये सब चीज़ें मिनरल्स जो होते हैं ये भी स्मॉल अमाउंट में हमें कुछ चाहिए होते हैं, मतलब एक्सेस किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर। एक कुछ अमाउंट होता है जो हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। आपको इनके नेम दें, जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सब जो है सब हमारे मिनरल्स होते हैं। इसके बाद आता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होते हैं मेक अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रो वेल। अ गुड सोर्स फॉर देम इज मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनिच एंड सीसेम। यानी कि जो कैल्शियम फॉस्फोरस होते हैं बोन्स के लिए और हड्डियों के लिए नहीं और दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, इससे हमारी हड्डियाँ और अच्छे से ग्रो करती हैं। तो ये मिल्क में या ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे होती है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, पालक होता है, इन समय बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर क्या होता है? पानी। यानी वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज। वाटर है बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे लिए। वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट फूड। हम पानी क्यों पीते हैं? अपने भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, पकाने, पचाने के लिए उसको। अवर बॉडी एब्जॉर्ब्स फूड इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म। मच वाटर ऑफ आवर बॉडी इज लॉस्ट By sweating, the body throws water-soluble waste out of the body through urine. We need 3 to 4 liters of water daily for the body functions. यानी कि हमें डेली क्या होता है, हमारा जो मतलब पानी होता है बॉडी से लॉस्ट हो जाता है एक स्वेट के थ्रू। स्वेट मीन्स पसीने के थ्रू, और कुछ जो होता है वेस्ट आउट होता है बॉडी से थ्रू यूरिन, उसके थ्रू मतलब थ्रू जो होता है हमारा वाटर जो होता है कुछ जो निकल जाता है। तो इसलिए हमें डेली पानी, हमें 3 से 4 लीटर वाटर डेली पीना चाहिए। फिर आता है हमारा फाइबर्स क्या होते हैं, जिसमें कि रेशे वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे स्पिनिच, कैरेट, रेडिश, और फ्रूट्स में बनाना, एप्पल एंड होल ग्रेन जो सीरियल्स होते हैं वो उनमें सब में फाइबर्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फाइबर्स वाली चीज़ें हमें ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी चाहिए, मतलब उनको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए उन्हें। द फाइबर्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी इन अवर बॉडी, दे हेल्प इन मूविंग द फूड थ्रू एंड वेस्ट आउट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि वो क्या करते हैं, हमारे को फाइबर्स जो होते हैं एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन जो वेस्ट आउट जो होता है बॉडी से उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको हेल्प करते हैं, उसको मूविंग करने में, हटाने में उसकी हमारी हेल्प करते हैं।